उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मदरसे में मासूमों को बेड़ियों से जकड़ कर रखने और उन पर जुल्म करने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जिस व्यक्ति ने मौलवी के जुल्म की शिकायत थाने में की थी, अब उसी शिकायतकर्ता व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि खुद मौलवी और उसके रिश्तेदारों ने किया है। पुलिस में मौलवी की शिकायत करने वाले व्यक्ति पर आरोपी और उसके रिश्तेदारों ने 20 सड़क पर रॉड से हमला किया। इस दौरान मौलवी ने उस व्यक्ति को डंडों से जमकर पीटा। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वीडियो में दिख रहा ये वही मौलवी है जो बच्चों को मदरसे में जंजीरों से बांधकर उन पर जुल्म करता है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लड़का शिकायत करने वाले की तरफ तेजी से बढ़ा और उसने उन पर घूंसे बरसाए। इसके बाद दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। सुबह आज सर सुबह की नमाज के बाद जो आज मैं और मेरे साथी वसीफ वहां से गुजर रहे थे, आज हम बाहर से मदरसे के सामने से, तो वहां से बच्चों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जो फिर हम मेरे दोस्त वसीम ने जाकर वहाँ रोकने की कोशिश की, जाकर देखा तो बहुत बच्चों को जंजीरों से बांधकर, बहुत मोटी जंजीरों से बांधकर मारा जा रहा था बहुत बुरी तरह से। तो मैंने और मेरे दोस्त वसीम ने जो है इसका विरोध किया, उनको रोकना चाहा कि ये मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आप इस तरह का इन पर जो है बर्ताव कर रहे हो, और ये लोग तो अपना जो है भविष्य जो है सुधारने के लिए यहाँ पर आए, सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आए हुए हैं और आप जो है ऐसा आप इनके साथ दंड दे रहे हो उनको। तो इसी बात पर उन्होंने जो है हम मुझे और मेरे दोस्त वसीम को, जो अब्दुल्ला फहीमुद्दीन जो मदरसा संचालक है उसने, उसका बेटा अब्दुल्ला और अन्य अज्ञात लोगों ने मेरे और मेरे दोस्त वसीम के साथ काफ़ी मारपीट की लाठी डंडों से। बहुत बड़ा जुल्म बच्चों पर हो रहा था, तालिबानी सज़ा इसको आप कहें, या बहुत जुल्म हो रहा था बच्चों पर जो देखा नहीं गया। बच्चे जो है बहुत मोटी जंजीरों में बंधे हुए थे और जो काफ़ी हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश हिम्मत की आज कि आज हम इसके बारे में जो है इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। ये मदरसा तकरीबन चार पाँच साल के आसपास इसको मदरसे को हो गया, फर्जी मदरसा है। जी ये बच्चों चंदे के नाम पर भीख मंगवाता है और जो बच्चे चंदा लाने से मना करते हैं या कम लेकर आते हैं तो उनको इस तरह के दंड देता है, इस तरह की सजा देता है। 20 सड़क पर हुई इस मार पिटाई के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो जिसमें एक बालक के पैरों में जंजीर बंधी हुई दिखाई पड़ रही है, उसके आधार पर थाना शासनी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। बालक को CWC कमेटी के समक्ष सुपुर्द किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवाई जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस जल्लाद मौलवी के जुल्म की कहानी का पर्दाफाश कैसे हुआ। दरअसल अलीगढ़ के सासनी गेट मोहल्ले के मदरसा तालीमुल कुरान के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। जब मदरसे के आस पड़ोस के लोगों को बच्चों के रोने की आवाजें आई तो उन्होंने जाकर देखा कि बच्चों को मदरसे में जंजीरों से बांध कर रखा गया है। क्या बांध रखा था आपको? कैसे बांध दिया आपको? जंजीर से। कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है आपका? बरेली के रहने वाले। इस दौरान किसी ने जंजीरों में बिलखते बच्चों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस तुरंत एक्शन लेकर मौलवी को हिरासत में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मदरसे का मौलवी दबंग किस्म का आदमी है जो बच्चों से मारपीट करता है। आरोप है कि जब लोगों ने बच्चों के साथ हो रहे जुल्म का विरोध किया तो उल्टा मौलवी ने ही लोगों के साथ मारपीट की। आपको बता दें कि ये मदरसा कोतवाली थाना इलाके के भुजपुरा में है जिसे फहीमुद्दीन नाम का व्यक्ति चलाता है। वहीं वायरल वीडियो की बात करें तो उसमें 3 बच्चे दिख रहे हैं जिनके पैरों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई हैं। वो नल के पास पानी पीने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ बच्चों को जंजीरों में बांधने को लेकर आरोपी मदरसा संचालक ने पुलिस से कहा कि उसने बच्चों को नहीं बांधा बल्कि उनके माता पिता ही बच्चों को जंजीरों से बांध जाते हैं। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके मोहल्ले की, खबर आपके शहर की, खबर आपके आसपास की, खबर आपके सरोकार की, आपके जिले की हर खबर को लेकर हम हैं वोकल। देखते रहिए अपने मोबाइल पर न्यूज़ 18 लोकल।